सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो ये वीडियो है 13 जून के रिलेटेड। आज तारीख है 14 जून। तो 13 जून यानी कि कल शाम को मैंने गाड़ी निकाली थी। 4:45 के आसपास मैंने लॉग इन किया था ओला में एंड मुझे सोचा था चलो आज के दिन कंप्लीट करके देखते, 6 जो वो बुकिंग्स थे इंसेंटिव के लिए वो कंप्लीट करके 275 का इंसेंटिव उठा के देखते कैसा लगता है। तो देखना चाहता था मैं बुकिंग्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने शूट किया। तो जो मुझे पहली बुकिंग थी वो मुझे मिली थी सायन से सेंचुरी बाजार, जो थी 4:45 के आसपास मुझे बुकिंग आई थी और उसका मुझे अर्निंग हुआ वो हुआ 130 रुपीज़। तो पहली बुकिंग मेरी इसमें कंप्लीट हो गई। और सेकंड बुकिंग जो थी, मैं बहुत देर वहाँ पे रुका था ओला का डिवाइस मेरा ऑन रख के, पर मुझे ओला में कुछ बुकिंग नहीं मिल रहा था। तो सेकंड बुकिंग जो मैंने इसके लिए सोचा उबेर भी आज ऑन करके देखते, उबेर में 1.2 के रेटिंग में मुझे बुकिंग मिला और नज़दीक का ही था माहिम का। सो उसका मुझे बिल हुआ 120 रुपीज़। और उसके बाद मैंने ओला भी चालू रखा था, उबेर भी चालू रखा था, तो ओला वहाँ पर बजा मेरा, तो इसलिए मैंने उबेर ऑफलाइन कर दिया। ओला में मुझे जो बुकिंग आई थी वो थी बांद्रा के लिए, बांद्रा खेतवाड़ी, तो उसका मुझे अर्निंग हुआ 123 रुपये वहाँ पर। और 123 के बाद मैंने सोचा भी खेतवाड़ी के यहाँ पे मुझे कोई अर्निंग नहीं मिलेगा, कुछ बुकिंग नहीं मिलेगा, तो यहाँ से मैं चलो मैं निकलता हूँ थोड़ा सा बीकेसी के तरफ, क्योंकि शाम का टाइमिंग है, पीक टाइमिंग है, बीकेसी में अच्छा खासा सर्च प्राइस मुझे मिलेगा इतना कन्फर्म था। तो वहाँ से मैं गया बीकेसी। तो बीकेसी से जैसे मैं बीकेसी गया वहाँ से मुझे मिला एक बुकिंग माहिम के लिए नवजीवन सोसाइटी, जिसका मुझे अर्निंग वेट 217 रुपये। और वो मुझे बुकिंग मिला था 1.8 के सर्च में, जो कल का मेरा हाईएस्ट सर्च वाला बुकिंग था। उसके बाद मैं माहिम से थोड़ा सा और दादर की तरफ आ गया, तुलसी पाइप रोड वगैरह पकड़ के, तो रूबी टावर की तरफ वेट कर रहा था। रूबी टावर के यहाँ से मुझे एक बुकिंग मिला था जिसको जाना था माटुंगा, किंग सर्कल के यहाँ पे गिरी रेस्टोरेंट है वहाँ पर, तो उनका जो बुकिंग का मुझे अर्निंग हुआ है वो था 117 रुपीज़। और उनको ही मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ कस्टमर्स रहते हैं उनको फिर से रिटर्न भी जाना होता है, कुछ टिप्स देते हैं, तो उनको वो रिटर्न जाना था। उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट्स का काम है, बट उनका 2 मिनट में काम हुआ, उन्होंने कहा मुझे रिटर्न जाना है। तो उनसे मैंने पहले कैश कलेक्ट किया था 172 रुपीज़, जिसमें मुझे काट के 117 रुपीज़ मुझे ऊबर ने पे किया। तो उन्होंने मुझे किया कि मैं दोबारा आपको बुक करूँ, मैंने कहा नहीं, आप मुझे फिर से वही सेम अमाउंट आप मुझे पे कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है यार, 2 ने तो 3 किलोमीटर के अगर 172 रुपीज़ भी अगर वो दे रहे तो भी अच्छी बात है। पर उन्होंने मुझे दिया 180 रुपीज़। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में, उनने जो जीपे पे मुझे सेंड किया। मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा कि ऐसे मैंने पर्सनल बुकिंग लिया, ये लिया, वो लिया, तो ये राइट इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने पर्सनल बुकिंग यहाँ से लिया वहाँ से लिया, वैसा नहीं है कोई। तो वहाँ से मैंने ओला का डिवाइस मेरा ऑन रखा था, ओला जैसे मैंने उनको रूबी टावर की तरफ फिर से मैं छोड़ने के लिए गया, वहाँ पर मुझे एक और एक बुकिंग आया जिनको जाना था सेंट रिजिस होटल। सो ओला का जो बुकिंग था 1.4 के सर्च में था वहाँ पर, और 1.4 के सर्च में उनका जो बिल हुआ वो अप्रॉक्स 180 के आसपास बिल हुआ उनका। और उसके बाद मुझे और एक बुकिंग आया जो था लोअर परेल के पेनिनसुला के जंक्शन, जो सिग्नल का जंक्शन है वहाँ पर, तो वहाँ से उनको जाना था एंटोफिल। एक्चुअली ये कस्टमर को जाना था कॉटन ग्रीन। अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। कस्टमर मुझे कहता है कि मैं अभी स्मार्ट बन गया हूँ, बहुत से बार देखा ओला के गाड़ियाँ बुक करने का तो वो लोग एक्सेप्ट करके कैंसिल कर रहे हैं बुकिंग। तो कस्टमर कह रहे हैं कि उनको जाना था एंटोफिल और उन्होंने 3 बुकिंग उनके ड्राइवर्स ने कैंसिल किए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के कॉटन ग्रीन डाला, यानी कि ड्राइवर को एक्सेप्ट करेगा ड्राइवर जिसको जाना है कॉटन ग्रीन वगैरह, और बाद में वहाँ पे बैठने का तो चेंज करेंगे। तो ऐसे कस्टमर से आप सावधान रहिए, ऐसे कस्टमर ये लोग दिमाग को शॉर्ट है ये लोग, क्योंकि इन लोग का आप जितना आप समझाओगे उतना ये लोग समझेंगे नहीं, इन लोग के साथ अपना बहस होएगा। तो इसलिए ऐसे कस्टमर से भी सेफ रहिए। बट उनका जो बुकिंग था वो एक प्लस पॉइंट था उसके बारे में कि वो 1.7 के रेटिंग में आया था बुकिंग, तो उसका मेरा जो अर्निंग है वो हुआ था 290 रुपीज़। तो एक मुझे अच्छा लगा वहाँ पर कि 290 रुपीज़ का अर्निंग हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से एंटोफिल से आया मेरे घर पे, क्योंकि घर बहुत नज़दीक था, मेरी 5 बुकिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, सिर्फ एक ही बुकिंग चाहिए थी मुझे ओला की तरफ से इंसेंटिव 275 का लेने के लिए। तो ओला का एक बुकिंग के लिए अभी मैं सोच रहा था 1 से 1.25 घंटा मैंने घर पे आके, मतलब मैं रुका था, चालू ही था डिवाइस, और उसके बाद एक बजा तो होता चेंबूर जेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मेरे घर से हार्डली 4 किलोमीटर है। तो खास मैं वहाँ पे उन लोग को छोड़ने के लिए गया था, 125 रुपये वहाँ पे बिल हुआ, 125 रुपीज़ एंटोफिल से चेंबूर तक का। और इसी के साथ साथ मेरी जो 6 बुकिंग्स थी ओला की वो कंप्लीट हुई, इंसेंटिव मैंने अर्न किया, और मेरा जो टोटल है ओला का वो हुआ 2,310 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंसेंटिव। और उसके साथ साथ मैंने उबर में भी कल 2 राइड कंप्लीट किए, तो उसका अमाउंट कुछ हो रहा है 240 के अप्रॉक्स मेरा अर्निंग हुआ, और 180 रुपीज़ का मेरा पर्सनल बुकिंग, यानी कि सब मिला के टोटल 2,700 रुपीज़ का मेरा कल पूरे दिन में इनकम हो गया।
और आपको मैंने सुबह बताया था कि मेरे 1000 रुपये का अर्निंग हुआ, मतलब मैंने शाम के टाइम पे सिर्फ 1700 रुपये का अर्निंग किया, और जिसमें मेरी गाड़ी ये सब जो है 2700 रुपये का अर्निंग, 2700, उसमें मेरी गाड़ी सिर्फ चली है 110 से 112 किलोमीटर। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उस चीज़ का भी, और सिर्फ ये अर्निंग हुए 8.5 घंटे में, 8.5 घंटे में इतना अर्निंग हुआ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ गाइस, जो भी आपको काम करना है आपको दिमाग से काम करना है, आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, आपको दिमाग का यूज़ करना है। यहाँ पर दिमाग यूज़ करोगे आगे तक जाओगे, इजीली आपको अर्निंग कर सकते हैं। एक और एक आपको रूल में बताता हूँ, अभी इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनी है, अभी उबेर की तरफ से कुछ इंसेंटिव तो है नहीं, ओला अभी इतनी बड़ी कंपनी है, ओला ने एक टाइमिंग स्लैब रखा है इंसेंटिव के लिए, सुबह 7 से दोपहर के 12 बजे तक, और वही सेम इंसेंटिव का टाइमिंग स्लैब है शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक। ये क्यों रखा है थोड़ा सोचिए इस पर। ये इसके लिए रखा है क्योंकि दोपहर के टाइम पे कोई बुकिंग नहीं रहते। मेक श्योर कि आप जब निकलते हैं बाहर घर से, अब 12-1 बजे के आसपास आप घर पे आइए, आराम से खाना खाइए घर पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के खाना खाने से अच्छा आराम से घर पे बैठ के खाना खाइए, 1-2 घंटे के लिए सो जाइए आराम से, उसके बाद 4-4.5 बजे आप फिर से आप चालू कीजिए। अब दोपहर के टाइम पे हुई आप धूप में वहाँ पे आप बाहर, एक तो वहाँ पे ये हो रहे हो, बॉडी डिहाइड्रेट कर रहे हो, गाड़ी भी थक रही है आपकी, आप भी थक रहे हो, मतलब नहीं है। वही आप सेकंड डे जाने के लिए आप तैयार ही नहीं हो रहते हो। आप एक बार ऐसा करके देखिए कि आप सुबह निकालिए गाड़ी, दोपहर को आप घर के आपके नज़दीक जाइए, घर पे रेस्ट लीजिए, घर के तरफ का ट्रिप आएगा एक्सेप्ट कीजिए, घर के नज़दीक जाइए रेस्ट कीजिए, शाम को फिर से निकालिए। उसमें एक फ़ायदा यह है कि आपको एनर्जी मिलेगा चलाने के लिए, आप नेक्स्ट डे आपको फ्रेश लगेगा। आप वही अगर 10 घंटा कंटिन्यू आप चलाते हो बाहर ही, आप खाना खा रहे हो, टिफिन भले आप टिफिन लेके जा रहे हो वहाँ पे खा रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। दोपहर के टाइम पे बुकिंग्स नहीं रहती है, इसलिए कंपनी भी आपको इंसेंटिव और टाइमिंग के इसमें देती नहीं है, उनको भी पता है नहीं रहता है। इसलिए अभी आज का ये वीडियो यहाँ पर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, और चैनल को गाइस बहुत मैंने देखा यार, एक तो एक चीज़ है कि तो ये मन से बोलूँगा मैं आज, अभी ये वीडियो ख़त्म होने आया, कल के वीडियो को बहुत व्यूज आए, कल के वीडियो को बहुत व्यूज आए और बहुत कमेंट्स भी आए, सबको अच्छा लगा वीडियो, बहुत पसंद आया, पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे अलग अलग नए नए इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ाओ थोड़े से, ठीक है। सो दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल स्मिथ एंड यू, खुश रहो, हैप्पी रहो, और हाँ, ड्राइव सेफ।